अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं एक नई एडवर्टाइजमेंट के साथ आया हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हुई है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इसमें आप पहले नंबर पे देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की पोस्ट आई है। इसी तरह ट्रैफिक एनालिस्ट BPS 16 और 14 15 14, और इसी तरह नीचे आप चलते जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। जो AD की वैकेंसीज़ हैं वो 26 हैं, ये सामने लिखा हुआ है आपके, ठीक है। 26 वैकेंसीज़ हैं, इनमें ओपन मेरिट की एक है, पंजाब की 12 है, सिंध की, सिंध अर्बन की 3 और सिंध रूरल की 3, KPK की 4, बलूचिस्तान की 1, GB की 1 और आज़ाद कश्मीर की भी 1 है। इसी तरह आप देखते जाएं, ये जो नीचे पोस्टें हैं जिस तरह ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र है, इसके लिए कम से कम एजुकेशन 14 ईयर्स एजुकेशन है और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, कोई भी 14 ईयर्स हो जाए, ठीक है। और इसकी 3 सीटें हैं। एज लिमिट का मैं आपको बता दूं कि जो AD है उसमें एज लिमिट है 22 से 35 और बाकी पोस्टें हैं उनमें 20 से 33 और कुछ पोस्टें जो नीचे वाली हैं उनमें 18 से 30 और इस तरह करके एज लिमिट है। बाकी कुछ लड़कों का सवाल होता है कि भाई एज लिमिट में कितनी रिलैक्सेशन है, तो उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट के एंड पे आप आएँ तो ये पॉइंट में नीचे जो ये पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं 3A, B, C और D वगैरह, इसमें एज लिमिट के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। और याद रहेगी ये एप्लीकेशंस आपने ऑनलाइन फिल करनी है। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताता चलूँ, इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी नीचे भी लिखा हुआ है कि 5 सितंबर 2022 मंडे के दिन लास्ट डेट है। आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्दी से जाके अप्लाई कर लें। और हमारे चैनल में इसके हवाले से, तैयारी के हवाले से बहुत सी वीडियोज़ हैं अभी अपलोड होंगी और आप चैनल के साथ जुड़े रहें। याद रहे कि आपने इसके साथ डिपॉजिट्स फ़ीस जो है वो लाजमी जमा करानी है। ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपने recruitments.com.pk की साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इनमें हर पोस्टों के लिए अलहदा फ़ीस है, जिस तरह के मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि BPS 17 और उससे अबव के लिए 1400 और जो है BPS 7 से 16 के लिए 850 रुपये फ़ीस, और जबकि BPS 1 to 6 के लिए जो उनसी है उन्होंने 500 रुपये फ़ीस रखी है। कि आप किसी भी बैंक में और इजी पैसा ये जैज़ कैश के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। और इन्होंने बताया हुआ है कि आप सिंगल फ़ीस पे करने के बाद ये जो आप पॉइंट नंबर 3 है इसको ज़रा गौर से अगर आप देख लें, जिसमें बताया हुआ है अगर आप सिंगल फ़ीस जमा कराते हैं तो आप मुख्तलिफ ये ग्रुप हैं, इन ग्रुप में एक फ़ीस के ऊपर 2 जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप चेंज होने चाहिए, ठीक है, एनी ग्रुप ऑफ पोस्ट, ठीक है। इन ग्रुप में से किसी 2 पोस्ट पे, या ये जो अगला ग्रुप है 2, 8 और 19 एक ग्रुप है, इनमें से किसी 2 पोस्टों पे एक फ़ीस जमा करा के 2 पे अप्लाई कर सकते हैं, या सीरियल नंबर 6, 7 और 16 इनमें से 3ों में से किसी 2 पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप चेंज करते हैं, मसलन आप 19 और 16 पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको सेपरेट फ़ीस जमा करानी होगी, ठीक है। और सीरियल नंबर 11, 13 और 14 इसी तरह इन 3ों में अगर आपने अप्लाई करना है तो आप एक ही फ़ीस पे इन 3ों में से किसी 2 पोस्टों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को मज़ीद अगर डिटेल चाहिए तो वो मैं बता दूँगा। एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इस टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आपका एक MCQs गलत होता है तो आपके 0.25 जोन से मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, मतलब आपके अगर 4 MCQs गलत होते हैं तो एक मार्क कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद कोई डिटेल हुई या आपने कुछ पूछना हुआ तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं, तब तक के लिए शुक्रिया।